गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी के बाहर होने के संकेत। कांग्रेस बनाएगी सरकार, 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी कांग्रेस। एमपी और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। बीजेपी के वोट प्रतिशत में आई गिरावट। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम होंगे देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। 3 साल का होगा कार्यकाल। जुलाई में व्यक्तिगत कारणों से अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया था इस्तीफा। कोलकाता हाईकोर्ट में 9 जनवरी 2019 को होगी बीजेपी की रथ यात्रा। मामले पर सुनवाई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बोले, निकल कर रहेगी गणतंत्र बचाओ यात्रा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 यात्राओं का आयोजन किया था, जो 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को शुरू होनी थी। हमने 29 अक्टूबर से राज्य के गृह सचिव को, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर इसकी परमिशन के लिए अनुशंसा की थी। उसके बाद 5, 12 और 20 नवंबर को इसके रिमाइंडर्स भेजे गए। मैं फिर से कहता हूं, 29 अक्टूबर को सबसे पहले बार परमिशन मांगी गई। जवाब न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में विहिप की रैली कल। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पंथी संगठनों पर लगाया सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप। अलर्ट जारी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कोर्ट ने तय की फैसले की तारीख। अदालत 21 दिसंबर को सुनाएगी अपना फैसला। मामले में कुल 37 में से 16 को मिल चुकी है क्लीन चिट। पाक पीएम इमरान खान ने फिर उगला पीएम मोदी के खिलाफ जहर। मोदी सरकार को बताया एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का चुनाव लड़ने का इरादा नहीं। प्रवक्ता ने कहा, चुनाव लड़ने की खबरें झूठी और काल्पनिक। हॉकी विश्व कप में आज पूल सी के आखिरी मैच में भारत का कनाडा से मुकाबला। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया लगाएगी पूरा जोर। आज दुनिया को मिलेगी नई विश्व सुंदरी। पिछले साल मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2018 को पहनाएंगी अपना ताज। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।